हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी। तो ये भिंडी की सब्जी है फ्रेंड्स, ये ढाबे स्टाइल भिंडी की सब्जी है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे भिंडी ले लिए हैं और इसको धुलकर सुखा लिए अच्छे से। ध्यान रखिएगा, भिंडी की सब्जी बनाने से पहले ही आप भिंडी को धुलकर अच्छे से सुखा लीजिएगा उसका पानी। तो अब हम भिंडी को कट करेंगे। तो यहाँ हम भिंडी को दोनों साइड से कट कर लिए हैं और ये हमारी भिंडी का साइज़ बड़ा है तो इसलिए हम बीच से कट कर लेंगे। अगर भिंडी का साइज़ छोटा है तो आप बस दोनों साइड से ही कट करिए। तो ये देखिए, भिंडी को हम थोड़ा तिरछा करके कट करेंगे, इससे भिंडी हमारी फटेगी नहीं। तो ये देखिए, हम भिंडी को सारा कट कर लेंगे और यहाँ पे हम भिंडी कट कर लिए हैं। और ये देखिए, मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, इसको हम चार टुकड़ों में कट करके इसका सारा परत अलग कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ढाबे या रेस्टोरेंट में भिंडी की सब्ज़ी खाएंगे तो आपको ऐसी परत वाली प्याज मिलेगा सब्जी में। तो ये टमाटर मीडियम साइज़ का, इसे हम बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट हम ले लिए हैं, पेस्ट नहीं, दरबरा कूट लिए हैं। और ये मीडियम साइज़ का एक प्याज बारीक कट कर लिए हैं और एक सूखी लाल मिर्च है। तो यहाँ हम मसाला के लिए 2 चम्मच दही लिए हैं और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। और ये सब्जी मसाला है, ये हम एवरेस्ट का सब्जी मसाला यूज किए हैं। और 1/2 चम्मच हमने भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हम गरम मसाला ले लिए हैं और इसमें कसूरी मेथी डाल दिए 1/2 चम्मच और बेसन 1/2 चम्मच डाल दिए हैं। यहाँ पे गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल अब हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें भिंडी को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, भिंडी को फ्राई करने के लिए हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। नमक हम इसी स्टेज पे डालेंगे ताकि हमारी भिंडी थोड़ा जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाए और इसमें नमक भी अब्जर्व हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा भिंडी का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये फ्राई हो गया है और ये देखिए, अब हम सारे भिंडी को निकाल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा और तेल डालकर ये प्याज जो मोटा मोटा पीसेस कट कर लिए थे इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम प्याज को भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है, जल्दी से बनकर ये रेडी हो जाता है। भिंडी की भुजिया से भी जल्दी ये बन जाता है। तो यहाँ हम थोड़ा और तेल डाल दिए हैं और इसमें डाल दिए 5 फ़ोरन और 1 सूखी लाल मिर्च डाल दिए। मिर्च का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल दिए हैं और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिए हैं और इन सबको हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा अब अदरक लहसुन जो कूट कर रखे थे उसे डालें। इसमें आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि हम फ्लेम को लो रख कर देंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो गया, अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं जो हम बना कर रखे थे। तो इसको हम लगातार चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा दही फटेगा नहीं, क्योंकि इसमें हम पहले से ही मसाला डाल दिए थे, इससे दही फटेगा नहीं। तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसे हम देखिए मीडियम फ्लेम में ही भून रहे हैं। तो अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो कवर करके हम लो कर देंगे फ्लेम को और 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। तो हम इस सब्ज़ी में न ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किए हैं, न ज़्यादा मसाले का। फिर फ्रेंड्स, तभी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। ढाबे स्टाइल भिंडी की सब्ज़ी है, आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे भिंडी नहीं खाना पसंद करते तो वो भी इस सब्ज़ी को खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला पक गया है, इसके ऊपर तेल आ गया है। तो अब हम इसको बिना ढके थोड़ा फ्लेम को बढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम में। इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा
मसाला अच्छे से और जल्दी से भून जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी। इसे हम चला लेंगे अच्छे से ताकि मसाला अच्छे से भिंडी में मिक्स हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। तो पानी अभी और डालेंगे हम इसमें। तो ये देखिए 1 गिलास इसमें हम पानी डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं सब्जी का ग्रेवी गाढ़ा है। अगर आपको और पतला रखना होगा तो आप पानी और डाल सकते हैं। तो इसे हम ढककर 5 मिनट पकाए हैं। तो अभी हमारा सब्जी पका नहीं है, इसे हम एक बार चला लेते हैं। और इसमें हम जो प्याज फ्राई करके रखे थे उसे भी डाल देंगे इसी स्टेज पे। और इसे फिर हम कवर कर देंगे, एक बार चला लेते हैं। और इसे कवर करके हम मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पका लिए हैं। तो ये देखिए अब हमारी भिंडी की सब्जी पक गई है। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर कितना बढ़िया आया है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर आपको तीखा चाहिए होगा तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। तो हमारी भिंडी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी एक भी भिंडी फटी नहीं है। तो इसी तरह आप ही सब्जी बनाएंगे तो आपकी भी भिंडी नहीं फटेगी, तो इसका स्वाद भी बहुत गजब का आएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाकर आप ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये हमारी भिंडी की सब्जी आपको कैसी लगी। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।